वहीं सुंदरनगर में रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम देव स्वेता वानी केकर कमलू द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 बच्चों का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बॉय स्कूल के बच्चों का टीकाकरण करने के साथ किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से खंड स्तरीय एमआर टीकाकरण अभियान के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश पंवर ने एसडीएम देव स्वेता वनिक का स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम देव स्वेता वनिक ने बताया कि 30 सितंबर तक खसरा व टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, जिसमें 9 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बच्चों को इस टीकाकरण अभियान से जुड़ने के लिए बधाई दी और बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। और सबसे अहम तौर पे मैं यहाँ पे आए हुए सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि पूरे हमारे मंडल में इस टीकाकरण की शुरुआत जो है आपके स्कूल से और आपकी कक्षा से हुई है और आप लोगों से हुई है। मैं अभी जब सर्टिफिकेट्स दे रही थी तो रोल नंबर 1 है क्लास 10th के, ये ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड जिसको आज टीका लगा है, तो बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इसीलिए इनका उदाहरण दे रही हूँ सबको और इन्हीं के साथ साथ आप सभी को जो 9th और 10th के यहाँ बच्चे हैं, क्योंकि कई बार टीकाकरण है, सबको पता है कि जो है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे, बच्चे डरते हैं कई बार, या इस तरह की बड़ी बड़ी अलग अलग टाइप की चीजें लोग बताते रहते हैं, लेकिन उन सब चीजों पर ध्यान ना देते हुए, बहादुरी दिखाते हुए सब लोगों ने जो है आप सबने टीकाकरण करवाया। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल हेमंत शर्मा ने भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कि आज जो हमारा कार्यक्रम था पूरा हेल्थ पे था। सवेरे जो है प्लस टू क्लास को इन्होंने एचआईवी और मेंटल हेल्थ के बारे में इनकी टीम ने सेंसिटाइज किया, एक डेढ़ घंटे का सेशन वो रहा। उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की, सर ने अपने बजट से उनको बिस्किट्स और जितने भी बच्चे हैं उनको चॉकलेट्स का प्रावधान रखा था, और साथ में रोटरी इंटरनेशनल जो ये लीफलेट है ये इन लोगों ने दिए और साथ में ये स्वीट्स भी इन्होंने बच्चों को बांटी। तो मुझे लगता है कि बीएमओ रोहांडा ने जो एक टीम हमें दी और जो हम उस दिन एक बात कर रहे थे कि इतना समय लगेगा, तो बहुत ही एफिशिएंट टीम इन्होंने दी और बहुत ही अच्छी तरह हमारा इस समय तक मुझे लगता है कि सारे बच्चों को टीका लग चुका होगा। इस मौके पर सुंदरनगर रोटरी क्लब ने भी बच्चों को सम्मानित कर चॉकलेट व बिस्किट का वितरण किया। इस मौके पर रोटरी क्लब के प्रधान प्रवीण अग्रवाल भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।